देश के राजनीतिक इन दिनों हनुमान जी की जाति को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। हनुमान जी तो स्वयं भगवान थे, उनकी कोई जाति नहीं थी, वे तो भगवान शंकर का अवतार कहे जाते थे। जी हाँ, लेकिन चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कि मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि हनुमान जी जाट थे, क्योंकि वे किसी को भी परेशानी या मुश्किल में पड़ा देखकर उसे बचाने के लिए कूद पड़ते थे। यही वजह है कि वे जाट थे। योगी के मंत्री रहे चौधरी लक्ष्मीनारायण ने यह बयान दिया है। इधर समाजवादी पार्टी द्वारा यह कहा गया है कि हनुमान जी दलित थे, वहीं उनके एक मंत्री कहते हैं कि वे जाट थे, जबकि कोई उन्हें किसी अन्य दल का बताया जा रहा है। सीएम आदित्यनाथ का कहना है कि बजरंग बली एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, निर्वासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको जोड़ने का काम हनुमान जी ही करते हैं। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह का यह कहना है कि भगवान राम और हनुमान जी के युग में उस देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई दलित वंचित शोषित नहीं था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा हनुमान जी आर्य थे। मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि उस समय आर्य जाति थे और उसी आर्य जाति के महापुरुष हनुमान जी थे। कुल मिलाकर योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बयान के बाद कि हनुमान जी जाट थे, एक नया विवाद फिर से छिड़ गया है।